भाई भाई कुछ खाने को दे दो, बहुत भूख लगी है। भाई भाई कुछ खाने को दे दो भाई, बहुत जोर से भूख लगी है। भिखारी, तेरे औकात कैसे है मुझे छूने की? ऐसा मत कहो साहब, मैं भी तो इंसान ही हूँ। कुछ खाने को दे दो साहब, बहुत जोर से भूख लगी है। तू इंसान है? तू इंसान नहीं है, तू एक भिखारी है और जिंदगी भर भिखारी रह जाएगा। भिखारी कभी कुछ कर नहीं सकता। ऐसा मत कहो साहब, इंसान ही सब कुछ करता है। चलो ठीक है, ये तेरी औकात से भी बढ़कर है। सर गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर, इस बार हमारी कंपनी को पूरे 50 लाख का घाटा हुआ है। 50 लाख? जी सर, पूरे 50 लाख का। इसका मतलब हमारी कंपनी में 50% लोगों ने काम करना छोड़ दिया। जी सर। एक काम करो, इनका पता लगाओ, ये गए कहाँ हैं। पता क्या करना है सर, इसी शहर में हमारी कंपनी के बराबर एक और कंपनी खुल गई है। इसी शहर में? जी सर। वो भी हमारी कंपनी के बराबर? यस सर। एक काम करो, कल उस कंपनी से मेरी मीटिंग फिक्स कराओ। ओके सर। हेलो सर। हेलो। कुछ खाने को दे दो साहब, बहुत भूख लगी है। सर मैंने शायद आपको कहीं देखा है। हाँ, सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद करना चाहता हूँ, क्योंकि मैं आज जो भी हूँ ना, सिर्फ आपकी वजह से। मेरी वजह से? वो कैसे? क्यों याद नहीं आ रहा? आओ मैं बताता हूँ। सर जिस दिन मैं आपसे पेट भरने के लिए कुछ पैसे मांग रहा था, आपने तो मुझे पैसे दिए नहीं थे, लेकिन एक कागज का टुकड़ा दे दिया था। तो आपके लिए वो शायद एक कागज का टुकड़ा था, पर मेरे लिए नहीं। और जब मैंने उस कागज के टुकड़े को खोला तो उस पे लिखा था कि
किस्मत एक सिक्का है जिसका दूसरा पहलू है मेहनत। और मैंने इस चीज पर विश्वास करने के लिए एक सिक्का उछाला। अगर मेरा हेड आता तो ये बात सही थी, और अगर मेरा टेल आता तो ये बात गलत थी। और सर, मेरा हेड आ गया। आप मुझे वो सीख नहीं देते ना, तो शायद मैं अपनी किस्मत का सिक्का नहीं पलट पाता, तो शायद मैं वो रोड छाप भिखारी रहता। और सर, मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि कभी किसी गरीब को परेशान नहीं करते, कभी किसी गरीब को कम मत समझिएगा, क्योंकि जो इंसान होता है ना, वही सब कुछ करता है। अगर आप कभी किसी भूखे को कुछ दे नहीं सकते ना, उसको धक्का मत दीजिएगा, उसकी बेइज्जती मत कीजिएगा। इतना ही कहना चाहता हूँ। राम राम।